हाय एवरीवन, पॉलीमर्स पढ़ रहे थे हम लोग और कंडेंसेशन पॉलीमर्स स्टार्ट किए थे, जिसमें पॉलीएस्टर्स के बारे में हम लोग देखे थे। दो पॉलीएस्टर्स हम लोग देख चुके थे, टेरिलीन जिसको कि हम लोग डैक्रोन या माइलर के नाम से भी जान रहे थे, और दूसरा था ग्लैप्टल। दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें टेरिलीन तो हमेशा एग्जाम में लगभग आता ही है। तो पॉलीएस्टर्स के बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पॉलीअमाइड्स के बारे में। पॉलीअमाइड्स, तो पॉलीअमाइड्स में बताएं कि वैसे पॉलीमर्स जिसमें अमाइड लिंकेज हो, ऐसा यह अमाइड लिंकेज हो वही कहलाते हैं पॉलीअमाइड्स। अब हम लोग जानते हैं कि यह अमाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन का रिएक्शन से, ऐसा H2O बाहर हो जाता है और यहाँ से फिर ये दोनों ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे और ओवरऑल फॉर्मेशन होगा किसका, अमाइड का, ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि पॉलीअमाइड्स जिस मोनोमर्स से मिल करके बने होंगे उन मोनोमर्स में कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा और एमीन ग्रुप भी होगा, मतलब एक मोनोमर है तो कार्बोक्सिल, दूसरे में एमीन होगा। तो यहाँ से यह बात क्लियर हो जा रहा है कि पॉलीअमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय दोज पॉलीमर्स विच कंटेन कार्बोक्सिल, दोज मोनोमर्स विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमीन ग्रुप। चूँकि कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर होने वाले हैं। तो जो अलग अलग टाइप के मोनोमर होंगे उसी में हम बतलाएं कि एक में जो है होगा कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे में होगा एमीन ग्रुप। तो इस कैटेगरी में कितने आते हैं, कौन कौन से पॉलीमर, उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं ना पॉलीअमाइड्स के, इनको बेसिकली नायलोन बोला जाता है। नायलोन बोलने के पीछे कारण क्या है, तो यह जो NY है यह आया है न्यूयॉर्क से, और LON जो है यह है लंदन। तो जो मोस्ट कॉमन पॉलीअमाइड है जिसको कि हम लोग नायलोन 66 के नाम से जानते हैं, यह पॉलीअमाइड साइमल्टेनियसली एक साथ बनाया गया था न्यूयॉर्क और लंदन में। तो यह पॉलीअमाइड न्यूयॉर्क और लंदन में बना था, इसीलिए उसी के आधार पे सबका नाम रख दिया गया नायलोन, मैंने न्यूयॉर्क एंड लंदन, समझ गए बात को। तो पॉलीअमाइड्स को बेसिकली नायलोन बोला जाता है। रीजन क्या है नायलोन बोलने का, तो जो मोस्ट कॉमन पॉलीअमाइड था जो बना था या जो यूज होता है काफ़ी फ्रिक्वेंटली, यह है नायलोन 66, और ये बना था एक साथ कहाँ, न्यूयॉर्क और लंदन में, इसीलिए। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नायलोन 66 की ही बात कर ले, नायलोन 66। तो यह नायलोन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ, एक कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ, कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमिन। ये दो मोनोमर एडीपी के एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमिन, ये दो मोनोमर से मिलकर के बना होता है नायलोन 66। और स्ट्रक्चर की बात यदि हम लोग कर लें तो ये CH2 का होल 4 C OOH, फिर इधर भी C OOH, दिस वन इज एडीपी के एसिड जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो दो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें। इसका कंडेंसेशन होगा हेक्सामिथिलिन डाइमिन से, हेक्सामिथिलिन डाइमिन से एन मोल यहाँ भी और एन मोल यहाँ भी, दिस वन इज हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन। अब इन दोनों का आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होना है, इसके लिए टेम्परेचर है 525 केल्विन और कैटलिस्ट वगैरह तो जो जनरल होना है वो होगा ही।
तो कैसे भी बताए थे, जरा ऊपर में देखो कि कार्बोक्सिल का वो एच ग्रुप एमीन का एच को लेकर के जो है निकलेगा ऐसा, उसी प्रकार से इधर का ही एच इधर का ही ओ एच बाहर हो जाएगा। तो ओवरऑल बचने वाला क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू का होल फोर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ एन एच सी एच टू का होल सिक्स और फिर यहाँ पर एन एच ऐसा होल एन, दिस वन इज नाइलोन सिक्स सिक्स। अब जरा नाम पे जाएं हम लोग, एनमोल एच टू निकलेगा, तो नाम पे जाओगे तो ठीक है, नाइलोन का मतलब तो बता दिए, सिक्स सिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यह सिक्स सिक्स इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉलीमर में जो दो मोनोमर्स हैं दोनों में कार्बन का संख्या छः छः है। देखो यहाँ गौर से ज़रा, एडीपी केचिन में तो छः कार्बन दिख ही रहा है, ऐसा चार हो गया ब्रैकेट में, एक ही पाँच एक छः, तो छः कार्बन यहाँ, और उसी प्रकार से हेक्सामिथाइलिन डायमिन में भी छः कार्बन है ऐसे। तो जो दो मोनोमर है या दो टाइप के जो मोनोमर है जिससे मिल करके या पॉलीमर बना है, उन दोनों मोनोमर में छः छः कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो गया नाइलोन सिक्स सिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नाइलोन सिक्स सिक्स। प्रॉपर्टीज वगैरह की बात कर लें तो बोल रहा है कि नाइलोन सिक्स सिक्स का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब हुआ बताया कि जल्दी खिंचाएगा नहीं, थोड़ा टफनेस ज़्यादा होता है इसमें, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट्स, टेक्सटाइल फाइबर्स, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, जो ब्रश होता है उसका ब्रिस्टल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ऐसे कॉमन से यूज है नाइलोन सिक्स सिक्स का, और बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है जो कि पॉलीअमाइड की कैटेगरी में आता है। तो नाइलोन सिक्स सिक्स के जैसा ही और इस कैटेगरी में कुछ पॉलीमर्स हैं, उनको भी हम लोग देखें एक करके। तो नाम का मतलब समझ गए, नाइलोन क्या बता रहा है और सिक्स सिक्स क्या बता रहा है। तो अगला इसमें है नाइलोन सिक्स टेन, 610 नहीं पढ़ेंगे इसको, 610 कॉमा भी जनरली नहीं दिया जाता है, तो नाइलोन 610 इसको पढ़ने वाले हम लोग ऐसे। इसमें से भी दो पॉलीमर होंगे, एक में मोनोमर जिसमें एक में 6 कार्बन होगा दूसरे में 10 कार्बन होगा, तो 6 कार्बन वाला तो वही है हेक्सामिथाइलिन डायमीन ऐसा, दिस वन इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और दूसरा यहाँ होगा 10 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था ना एडीपी केसिड, वैसे यहाँ 10 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा ऐसा। ये हो जाना है सी एच टू का होल एट और इसको हम लोग बोलते हैं सेबैसिक एसिड, क्या कहलाता है सेबैसिक एसिड, एन मोल बाहर हो जाएगा ऐसा एच टू ओ, फिर यहाँ से भी ओ एच और यहाँ से एक एच, तो ओवरऑल बचना क्या है ऐसा कुछ बचेगा एन एच सी एच टू का होल सिक्स, फिर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू का होल एट सी डबल बॉन्ड ओ होल एन, एन मोल एच टू ओ निकलना है और यही कहलाएगा क्या नाइलोन सिक्स टेन। तो नाइलोन सिक्स सिक्स के जैसा ही, लेकिन उसके जैसा या बहुत कॉमन नहीं है नाइलोन सिक्स टेन, नाइलोन सिक्स सिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, इसलिए इसके अलग से वैसे कोई यूजेज वगैरह जो है नहीं है।
और जो कॉमन सा यूज नायलोन 6-6 का था वही नायलोन 6-10 का भी होता है, अलग से इसमें कुछ नहीं है। अगला इसमें है एक केवल नायलोन 6, नायलोन 6, ओनली नायलोन 6। तो इसमें बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मोनोमर जो है इसका वह होता है कैप्रोलैक्टम, जो बदलता है 5-अमीनो कैप्रोइक एसिड में। क्या है इसको देखते हैं हम लोग। कैप्रोलैक्टम एक साइक्लिक अमाइड होता है जो बनता है बेसिकली कैसे, तो स्टार्टिंग से हम लोग देखें, इस साइक्लोहेक्सेन हुआ, साइक्लोहेक्सेन, इस साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन होता है, कोई क्रोमियम वाला रिएजेंट लेकर के, CrO3 वगैरह लेकर के कर सकते हो, तो यह बदलता है साइक्लोहेक्सानोन में, ऐसा क्या बन गया साइक्लोहेक्सानोन। इस साइक्लोहेक्सानोन का रिएक्शन फिर होता है हाइड्रोक्सिल एमीन से, दिस वन इज हाइड्रोक्सिल एमीन, तो यहाँ से ऐसा H2O बाहर होगा और ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। अल्डिहाइड कीटोन में ऐसे रिएक्शंस के बारे में देखे हम लोग, तो ऑक्साइम बन गया। और जब इसको हीट किया जाता है H2SO4 के साथ, तब यहाँ से साइक्लिक अमाइड का फॉर्मेशन होता है, N फिर यहाँ H, ई डबल बॉन्ड O, और यही कहा आता है कैप्रोलैक्टम। सात कार्बन का हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक नाइट्रोजन है, मतलब 7th मेंबर रिंग है, इसी को हम लोग कैप्रोलैक्टम के नाम से जानते हैं। या जो कैप्रोलैक्टम है 7th मेंबर रिंग का जो अमाइड है, दिस वन डबल बॉन्ड ओ, जब इसको हीट किया जाता है 543 केल्विन पे, तो हीट करने से या चेन जो है ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने से कुछ ऐसा बन जाता है NH2, उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। तो यहाँ 5 नहीं 6 हम लोग लिखें, इसी को कॉमन नेम से यदि लिखोगे ना तब ये हो जाएगा ये हो गया अल्फा कार्बन, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्साइलन, तो इसी को हम लोग एप्साइलन अमीनो कैप्रोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एप्साइलन अमीनो कैप्रोइक एसिड, ऐसा। अब इसी का जो है पॉलीमराइजेशन होना है, एक सिंगल मोनोमर है इसमें, और यही एक सिंगल मोनोमर में ही जो है कंडेंसेशन होता है, H2O का एलिमिनेशन होता है, और फॉर्मेशन होगा यहाँ क्या चीज़ का, पॉलीमर का। तो अब यदि एग्जाम में आ जाता है कि नायलोन 6 का मोनोमर क्या है, तो वहाँ पे आप इस कैप्रोलैक्टम को भी लिख सकते हो, या फिर इसको भी लिख सकते हो, एप्साइलन अमीनो कैप्रोइक एसिड या 6-अमीनो हेक्सानोइक एसिड, ऑप्शनल है, तो देख लोगे दोनों में क्या दिया हुआ है। कैप्रोलैक्टम है तो इसको टिक करोगे, ये दिया हुआ तो ये टिक करोगे, दोनों तो एक साथ रहेगा नहीं, या दोनों एक साथ रहेगा तो फिर बोथ ऑफ दिस का ऑप्शन हो सकता है, तो ध्यान रखोगे इस बात का। अब ये सिंगल सा जो मोनोमर है 6-अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, इसका पॉलीमराइजेशन होगा, ये NH2, अब बीच में हो गया CH2 का होल 5 COOH, इसी का N मोल होता है, तो यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H,
पॉलीमराइजेशन हो जाएगा हिट करने से, तो फिर मोनोमर का फॉर्मेशन हो जाना है एन एच सी एच टू का होल फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस वन इज नाइलोन सिक्स। तो यहाँ केवल सिक्स लगा हुआ है क्योंकि एक ही टाइप का मोनोमर है जिसमें छः कार्बन है, पाँच और एक छः, इसलिए हो गया नाइलोन सिक्स। यूज की बात करें तो यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स, रोप्स जो रस्सी वगैरह होता है पहाड़ वगैरह पे चढ़ने के लिए, ये सब बनाने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीएमाइड्स की कैटेगरी में ये तीन हुए, नाइलोन 66, नाइलोन 610 और एक हो गया है नाइलोन 6। इसमें से नाइलोन 66 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में वही आता है, कभी कदाल नाइलोन 6, नाइलोन 610 तो नहीं ही आता है। तो नाइलोन 66 पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। पॉलीएस्टर में टेरिलीन इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो है नाइलोन 66 बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पॉलीएस्टर पॉलीएमाइड दोनों से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में होता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखें इसमें, तो अगला जो पॉलीमर है, अभी पॉलीएमाइड पॉलीएस्टर खत्म, अब नया कुछ अलग ही टाइप का, वह है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, एक नया टाइप का पॉलीमर। इसी को हम लोग जो है बेकेलाइट के नाम से जानते हैं, इवन एग्जाम में बेकेलाइट के नाम से ही आता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन शायद ही आता है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है रेजिन, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुए जो यहाँ मोनोमर का काम करने वाले हैं, या रेजिन क्या है? तो रेजिन बोल रहा है कि द एमॉर्फस ऑर्गेनिक सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स, या तो कंप्लीटली सॉलिड्स होंगे या सेमी सॉलिड्स होंगे, विच यूजुअली हैव ए टिपिकल लस्टर एंड आर ऑफन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट आर कॉल्ड रेजिन्स। एमॉर्फस नेचर के ऑर्गेनिक सॉलिड या सेमी सॉलिड, जिसमें बोल रहा है कि एक स्पेशल टाइप का लस्टर होता है, शाइनिंग होता है, और दे बेसिकली या तो ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं या ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट जानते हो, पारदर्शी, जो आर पार आसानी से दिखाई दे, ट्रांसलूसेंट मैंने पारभासी, धुंधला दिखाई दे आर पार। तो रेजिन्स मैंने एक प्रकार का अलग स्टेट ही समझ लो या सब्सटेंस का, जिसमें ऑर्गेनिक नेचर के सॉलिड हैं या सेमी सॉलिड, टिपिकल लस्टर है उनमें, शाइनिंग होता है ग्लास के जैसा, और बोल रहा है कि ये तो या तो ट्रांसपेरेंट नेचर के होंगे या फिर ट्रांसलूसेंट नेचर के होंगे। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनता कैसे है, तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। यह देखते हैं हम लोग कैसे बनता है यह बेकेलाइट। रेजिन क्या है तो हम लोग समझ गए, तो इसमें से सबसे पहले होता क्या है कि फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखो यह फिनॉल है, इस फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड से हिट किया जाता है, एसिड या बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ। फिनॉल चैप्टर में इवन पढ़े भी हम लोग, लेडरर मन्नासे रिएक्शन वही है, या फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, और सिंपल सा रिएक्शन है।
फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, यह जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, यह बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ, तो यह जो है अपने इस बॉन्ड से अटैक करता है और इसके एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ऐसा करने से पूरा मैकेनिज्म अगर हम लोग देख चुके हैं इसलिए उतना नहीं हम लोग देखने वाले हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ से ग्रुप जा करके जुड़ेगा CH2O-, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अब यहीं से सारा काम होना है। ये ऑक्सीजन जो अपना चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा इधर का, क्या तब तक इस पर प्लस आएगा तो ओ माइनस ले लेगा एच प्लस को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ का प्लस ख़त्म, दो लोन पेयर बचेंगे और ये एच आकर के जुड़ जाएगा यहाँ ऐसे। अब फिर से जो अभी एरोमेटिसिटी गड़बड़ हो इसका, तो क्या होगा, ये वापस शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ, तो ये लोन पेयर से ले लेगा इसको, तो ओवरऑल ये बन गया किस प्रकार से, देखो ऐसा बन गया ऐसे, ये हो गया OH और यहाँ हो गया CH2OH। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ये पूरा हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया और बेंजीन में OH रहता है तो क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है, समझ गए बात को। तो सबसे पहले यह रिएक्शन होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करके ऐसे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा और इसमें ऑर्थो पारा दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये अभी ऑर्थो प्रोडक्ट बना है, ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन पारा में होता है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जब यहाँ OH ग्रुप है या OH ग्रुप ऑर्थो पारा डायरेक्टिक नेचर का होता है, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिक नेचर का है तो दोनों जगह जा करके जुड़ेगा ही ऐसे, ये OH पारा में भी जुड़ जाएगा CH2OH पारा आइसोमर बने। अब जो सबसे पहले ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हो करके जो ये दो प्रकार के प्रोडक्ट बने हैं, इनमें से एक जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, इसका पहले पॉलीमराइजेशन होता है ऐसा, देखो यार जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है इसका पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन में इसी के दो मॉलिक्यूल ले लो, एन तो लिए ही है लेकिन समझाने के लिए इसको बता रहे हैं, देखो CH2OH है यहाँ रहेगा एच, देखो यही H2O निकलते जाएगा, फिर इसका OH अगला का H ऐसे, और यदि ऐसे होते जाएगा तो पॉलीमराइजेशन होकर के क्या बनेगा इसमें ऐसा, ये हो गया OH, फिर यहाँ CH2, ये आगे फिर से जुड़ा जा करके फिनॉल रिंग से OH, फिर यहाँ CH2, फिर ये आगे जा करके जुड़ेगा ऐसा OH, ऐसे ही जुड़ते जाएगा पूरा, और यहाँ से एक लीनियर पॉलीमर बनता है, लीनियर पॉलीमर, और इस लीनियर पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं नैवोलेक ऐसा। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हुआ जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, तो इससे पहले बना ऑर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, इसमें से ऑर्थो वाला का पहले हो जाता है पॉलीमराइजेशन और वह एक लीनियर पॉलीमर बनाता है जो कहलाता है क्या, नैवोलेक। अब इसी नैवोलेक में क्या होता है समझोगे, कि बेकेलाइट अभी नहीं बना है, यह भी नैवोलेक का फॉर्मेशन हुआ है, एक लीनियर पॉलीमर, बेकेलाइट तो क्रॉसलिंक पॉलीमर है, समझो इसको फिर से बनाया जाए ऐसा है OH, फिर यहाँ CH2, अगेन OH CH2, फिर यहाँ OH CH2 ऐसे ही करके। अब देखो सबका पारा पे है हाइड्रोजन, तो अब क्या होगा कि इसमें से तो एक पारा वाला भी बन रहा था ये OH, या ऐसे OH
CH2OH, तो फिर से क्या होगा, यहाँ से H2O निकलेगा। ऐसे ही बहुत सारा ले सकते हो, CH2OH, OH, यहाँ से भी H2O निकलेगा। तो होगा क्या कि ये दोनों आपस में ऐसे भी जुड़ते जाएंगे, ऐसे पारा लिंकेज से, साथ ही साथ ऑर्थो का लिंकेज भी होगा सब में, ऐसा। डायरेक्ट अब दिखा दें CH2 और साथ में यहाँ ऑर्थो का भी लिंकेज होगा, ऐसा। तो यह जो पॉलीमर बना जिसमें कि क्रॉस लिंकिंग हो रहा है, इधर ये आपस में ऑर्थो से जुड़ रहे हैं और ये जो दो हैं ये दो आपस में पारा से जुड़ रहे हैं। तो यही जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। दिस इज बेकेलाइट। तो इसको यदि डायरेक्ट लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि एन मोल आप लो ऐसा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल और इसी के साथ एन मोल ले लो पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऐसा। तो यही दोनों का यदि आप डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन करके दिखलाओगे तो फिर यही वाला चीज़ बनना है, पूरा का पूरा दिसपन ऐसे। तो बेकेलाइट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोनोमर, इसका हुआ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन यह एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का पहले लेडरर मन्नासे रिएक्शन होता है, फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें ऑर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल्स बनते हैं, फिर उसमें से पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का लीनियर पॉलीमराइजेशन होकर के नेबुलेक का फॉर्मेशन, और अगेन फिर उसमें एक बार क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, तब जो ये पूरा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना, यही क्या कहलाता है, बेकेलाइट। अब हो रहा है कि बेकेलाइट का यूज जो है मेकिंग कॉम्स, कंघी, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो स्विच होता है, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तन में जो काला काला कलर का उसका लगा हुआ रहता है हैंडल, तावा है या और कुछ है तो देखते हो उसमें काला ब्लैक कलर का हैंडल लगा हुआ रहता है, बेकेलाइट का होता है सब। और बेकेलाइट है क्या, देख रहे हो एकदम क्रॉस लिंक पॉलीमर है पूरा ऐसा। इसी बेकेलाइट के जैसा ही और भी क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं, उनको भी हम लोग देखें। तो अगला जो इसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है वह है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इसमें मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होना है। मेलामाइन इस प्रकार का एक कंपाउंड है, 6-membered हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन है जिसमें अल्टरनेट ऐसा डबल बॉन्ड हो जाएगा और हर एक कार्बन से जो है एक एक NH2 ग्रुप है ऐसा। दिस इज मेलामाइन, इस कंपाउंड का नाम ही है मेलामाइन। हेक्सागोनल रिंग बना, अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन है, बाकी सब जगह कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, NH2। इसका रिएक्शन होना है फॉर्मल्डिहाइड से, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड भी होगा ऐसा। और यहाँ भी कुछ वैसा ही रिएक्शन होगा कि नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये नाइट्रोजन लोन पेयर से अटैक करेगा। तो जब नाइट्रोजन लोन पेयर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ज़रा देखो, तो ये नाइट्रोजन, ये यहाँ नाइट्रोजन, ये ऐसा, यहाँ NH2, यहाँ भी NH2, ये अब हो जाएगा N, इसमें 2H आ जाएगा प्लस, और इसी से अभी जुड़ेगा CO-HH। बस सिंपल सा ही है, नाइट्रोजन अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो H+ को फिर O- ले लेगा,
मतलब अभी ऐसा बन जाएगा, एच चला गया यहाँ, इसका प्लस हो गया खत्म, दिस वन। तो यह जो कंपाउंड बना या एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है और इसी का अब होना है पॉलीमराइजेशन, इसी का पॉलीमराइजेशन होगा। ऐसे ऐसे एन मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो पॉलीमराइजेशन में क्या होना है, इधर का वो एच और ई सब में से जो है हाइड्रोजन ई एच, इधर का भी एच, एच टू ओ बाहर, मतलब ये ऐसा बनेगा। ये हो गया NH, इधर भी NH और यहाँ ये हुआ NH और फिर CH2, इसी का होल एन, दिस इज रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यह भी एक क्रॉसलिंक पॉलीमर है, देख रहे हो सब तरफ जो है चेन आगे बढ़ रहा है, इधर तो बढ़ा ही है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो यह भी क्या हुआ, एक प्रकार का क्रॉसलिंक पॉलीमर हुआ। यूजेज, तो यूज्ड फॉर मेकिंग क्रॉकरी, जो बर्तन होता है, कप्स, प्लेट्स एट्सेट्रा। काफ़ी हार्ड होते हैं ये पॉलीमर्स, लेकिन ड्यूरेबल है, टिकाऊ होते हैं, हार्ड हैं लेकिन क्या है, ड्यूरेबल है। तो इस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स जो है हम लोग देखे, बेकेलाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन तो एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है, लेकिन बेकेलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से कर लेना है। रिएक्शन में कुछ नहीं है, बस मेन मोनोमर याद रखोगे, रिएक्शन में देख ही रहे हम लोग की कंडेंसेशन टाइप का है सब, तो H2O का एलिमिनेशन हो रहा है मैक्सिमम में, तो इसी को लेकर के जो है चलना है। ऐसे एक दो रेजिन्स और हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।